أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكون لكم عداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم وأولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. جو سورة شروع ہو رہی ہے وہ سورة ممتحنہ, तो ऐसे देखने तो उस ज़माने में नाजिल हुई सूरतें, लेकिन सब आज हमारे लिए सब अप्लीकेबल हैं, सब बातें क़यामत तक के लिए सारी हिदायतें हमारे लिए. ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि इनसे दोस्ती का इजहार करने लगो. खुलासा तफ़सीर पढ़ रहे हैं. ईमान वालों, न पकड़ो मेरे अपने और अपने दुश्मनों को दोस्त. तुम उनको पैगाम भेजते हो दोस्ती का और वो उन्होंने इनकार किया है जो कुछ तुम्हारे पास हक आया है, और रसूल को निकाला उन्होंने और तुमको निकाला इसलिए कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आए अपने रब पर. अगर तुम जहाद के लिए निकलते हो उसके अल्लाह के मेरी राह के अंदर और मेरी रिजा चाहते हुए तुम निकलते हो, तो तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पैगाम पहुंचा देते हैं. मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, जो तुम इजहार करते हो, और जो भी तुम में से ये काम करेगा वो सही रास्ते से बहुत दूर भटक गया. अगर तुम उनके हाथ आ जाओ तो तुम क्या करेंगे? तुम पर अपने हाथ चलाएंगे, अपनी ज़बानें चलाएंगे, हाँ, और ये चाहते हैं कि तुम भी कुफ्र में मुब्तला हो जाओ. देखो तुम्हारे माल और औलाद कल क़याम तुम कुछ काम नहीं आएंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और जो तुम कुछ कर रहे हो अल्लाह खूब जानने वाला, खूब देख रहा है. अरे ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि इनसे दोस्ती का इजहार करने लगो. हालांकि तुम्हारे पास जो दीन हक आ चुका है वो इसका इनकार करने वाले, जिससे उनका दुश्मन खुदा होना जाहिर है, और वो उन्होंने तुमको और अल्लाह के रसूल को इस बुनियाद पर अपने वतन से निकाल दिया, निकलने पर मजबूर किया कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाए हो. अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने की गरज से और मेरी रजामंदी की गरज से निकलते हो, तो कुछ लोग जो है चुपके से उनको इजहार कर देते हैं, ऐसा ऐसा आने वाले हैं लोग, चुपके चुपके दोस्ती की बातें करते हो. अव्वल तो दोस्ती बुरी चीज़ है, फिर ये खुफिया पैगाम भेजना ये और ज़्यादा बुरी अलामत है. हालांकि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, जो तुम करते हो, जो जाहिर करते हो, जो छुपा कर करते हो. जो शख्स तुम में से ऐसा करेगा वो राह से भटक गया और इसका अंजाम गुमराहों का मालूम है, उनकी दुश्मनी का बयान है. वह ऐसे सख्त दुश्मन हैं कि अगर तुम्हारा उनका तुम पर काबू चलेगा तो तुम पर जो है अपनी दस्तराजी करेंगे हाथों से, अपनी ज़बान से, और चाहते हैं कि तुम सब काफिर हो जाओ. ऐसे लोग कब दोस्ती काबिल हो सकते हैं? तुमको अपने अहलोयाल का ख्याल है तो सब समझ लो कि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी औलाद क़यामत में तुम्हारे काम नहीं आएंगी. अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा. अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों को खूब देख रहा है. तो एक वाक्य वहाँ पेश आया था. क्या वाक्य पेश आया था? कि ग़ज़वे बदर के बाद फ़तेह मक्का से पहले मक्के मुकरमा की एक मुग़निया यानी गाने वाली औरत, इसका नाम सारा था, मदीना आई. अरे तो अल्लाह को पूछे क्या हिजरत करके आई? पूछे नहीं नहीं हिजरत करी. क्या मुसलमान भी? मुसलमान भी नहीं. क्यों आई तू? किस गरज से आई? इसने कहा कि आप मक्का मुकरमा के लोग, आला ख़ानदान के लोग थे, आपके ऊपर देने लेने पर मेरा गुजारा था. अब मक्के के बड़े सरदार तो उसमें मारे गए बदर में, देंगे बदर के बाद आई थी, बड़े सरदार मारे गए, कौन मुझे खिलाना, कौन मुझे पिलाना?
और आप लोग यहाँ चले आए, मेरा गुजारा मुश्किल हो गया, मैं सख्त हाजतमंद ज़रूरत में मुबतला हूँ, आपसे मदद लेने के लिए यहाँ आए हूँ। तो आपने फरमाया तुम मकरमा की पेशावर मुगनिया हो, वो नौजवान क्या वे कि तुम पर पैसों की बारिश क्या करते थे? वो नौजवान उतबा शहबा सब जंग बदर में खत्म कर दिए, सब जंग बदर में वो सब जो है कत्ल कर दिए गए हैं, इसके बाद से मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वो जो हमारी गाने बजाने की मजलिस सब ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह के रसूल ने बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, बुलाकर कहा कि इसे मदद करो, उसको नग पोशाक वगैरह देकर भेज दिए। तो ये तो एक पहला वाक्य हुआ। तो ये इसकी ज़माना था कि सुलह हुदैबिया को उन्होंने तोड़ दिया था। इससे पहले वाक्य सामने आया सुलह हुदैबिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 6 हिजरी के अंदर उमरा करने गए, सब लोग जो है अहराम का लिबास है, जानवर लेकर बैठे, तो ऐसी दुश्मनी उनको अल्लाह के रसूल से दुश्मनी नहीं करना था। मैं उमरा पूरी दुनिया वालों को खुला है, पूरे दुनिया वाले कभी भी आके कर सकते हैं और सब कर सकते हैं, नहीं करना तो मुसलमान नहीं कर रहा। तो अल्लाह के रसूल को हुदैबिया ये है प्लेस है, वहाँ रोक दिया अल्लाह के रसूल। क्या करते हैं जाग देखा हो तो बातचीत होती रही। उसके बाद आखिर में क्या फैसला हुआ कि जो है 10 साल तक जंग बंद होगी, आपस में दिल नहीं लड़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट वो था। फिर उसके बाद अब वापस जाना तो साहब आकर मांग बैठा, उस ये बार उमरा नहीं करेंगे, चले जाएंगे, आइंदा साल करेंगे उमरा। फिर ये सबसे कंडीशन ये कि अगर कोई वहाँ से मक्का से मदीना आ जाए तो आने नहीं देंगे उसको। मक्का में लोग इस्लाम कुछ लोग कबूल करके छुपा लेकर बैठे थे, उन पर जुर्म ढा रहे थे लोग, उन आया तो उसको वापस करना पड़ेगा अलग अलग। लोग कैसी शर्त है, अगर यहाँ का कोई आदमी जाना चाहता है तो इन्हों ले इन्हों जो मदीने से कोई जाना चाहता है तो इन्हों वापस नहीं करेंगे, उसे पकड़ लेकर बैठेंगे। अलग लोग कैसी शर्त है, सब उल्टे शर्त नहीं करे बाजार, तो रंधे रंधे सब शर्त मान लिया लगे। तो इसी दौरान फिर ये औरत आई थी, आए तो उसको वापस करना है, नहीं क्या हमें तो हम क्या हमने क्या लिख ईमान भी नहीं लाई। सुलह हुदैबिया तोड़ दिया था। अब सुलह हुदैबिया तोड़ देने के बाद क्या करना, उनकी तरफ से तोड़ देना, थोड़े बाद अलग बोले अब क्या नहीं, हमारा काम सीधा हमला करना उनके ऊपर। तो आहिस्ता खामोशी देर से अल्लाह के रसूल हमले की तैयारी कर रहे थे, खुफिया तैयारी शुरू कर रखी थी। इधर महाजरीन अव्वल में से एक साहबी थे हातिब बिन अबी बलता, जो असल में यमन के बाशिंदे थे, मक्का आके वहाँ मक्का में थे, इस्लाम कबूल करके हिजरत करके आ गए, लेकिन पूरा खानदान वहाँ था, उनका कहाँ था, मक्का में था। इनका कोई कबीला खानदान नहीं, वो तो मक्का के रहने वाले नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं। तो इनके अहलाल मक्का में थे। अल्लाह के रसूल और बहुत से सहाबा कराम की हिजरत के बाद मुशरिकीन ने मक्का को, जो उन मुसलमानों को जो मक्का में थे, वो सताते थे और परेशान करते थे, और जिनके रिश्तेदार थे उन्हें तो सपोर्ट क्या भी करते थे, इनके कोई रिश्तेदार नहीं ना। तो हातिब को फिक्र हुई कि मेरे अहलाल को दुश्मनों की वजह से बचाने के लिए कोई नहीं है, तो क्या भी उनके ऊपर एक एहसान करा मैं, तो मेरे अहलाल की हिफाजत करेंगे, ये उनके दिल में ख्याल आया। इनको अपनी जगह यकीन था कि हक तो अल्लाह के, हक ताला तो मुसलमान की फतेह करेंगे, इस्लाम सच्चा दीन है, उसके बारे में क्या उनको नहीं था। आपको ये इस्लाम को, आपको या इस्लाम को या रास फास करने से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अल्लाह के लोग खामोशी तैयारी कर रहे थे मक्का को हमला करने की, इन्होंने जो है एक लेटर लिखो, वो औरत जो आई थी ना मुगनी औरत, इसको लेकर दे दिया। तो जो है अल्लाह के रसूल को, देखो अल्लाह के रसूल का इरादा तुम पर हमला करने का है, उस सारा के हवाले कर दिया। अल्लाह के रसूल ने वही किस तरह से अलग माना, वहाँ से तलीक बुलाया इधर इधर आओ, और किसे तीन और दो तीन साहबी को बुलाए, अबू मरसद जुबैर बिन अवाम को बुलाए। देखो एक औरत जो है जा रही है, इसका तुमको ताकुब करना है, और रोज़े खाक एक मकाम है वहाँ भी तुमको मिलेगी। तो हातिब बिन अबी बलता एक खत लिखे मुशरिकीन के नाम कि जो है अल्लाह के हमला करने वाले हैं करके इंक्वायर करने वाला ऐसा खत है, हमारा रास फाश करने वाला खत है। जाग पहुँचा बोलिए मेरे पास कुछ नहीं, क्या नहीं है, अरे सीधा निकाल दी कि तुझे रंगा करना वाले होना तो चुप सीधा निकाल देती कि अल्लाह के बाद झूठ नहीं हो सकती। हमने कहा खत निकालो, उसने कहा कि मेरे पास कोई खत नहीं, उसने कहा ऊँट को बिठाया तलाशी ली, अरे अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, ज़रूर कहें तो छुपा गया, तेरे कपड़े तुझे नंगे करके निकाल। उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो अपनी इजार में से छुपा लेकर बैठी निकाल दे दी। मोरज़ी अल्लाह तुम गुस्सा, अल्लाह रसूल
मुझे हुक्म दो, मैं सिर्फ उसका कत्ल करूंगा ये आतिम अवेलेबल तक। इसने अल्लाह रसूल और सब मुसलमानों की खयानत की है, हमारा राज कुफर को फाश कर दिया है, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसके गर्दन मार दूंगा। तो अल्लाह बुलाए, तो तुम किसी ने ऐसा क्या रहे, तुमको बुलाए उनको, ये हरकत क्यों करे, क्या है तुम्हारी। हातिम अवेलेबल का अल्लाह के रसूल, मेरा ईमान में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, बात यह कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मक्का पर कुछ एहसान करूँ अहले मक्का पर, ताकि मेरे अहले अयाल की हिफाजत करें, मेरे सिवा उनके सिवा मेरे सिवा कोई हर एक जो लोग हिजरत करके आ गए हैं उनके सब लोग हम मौजूद हैं, सबके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, ईमान लाने वालों को उनको जो प्रोटेक्शन कर रही है, मेजर प्रोटेक्शन वाला कोई नहीं था जिसके कबीले और ख़ानदान का कोई मौजूद ना हो, और मेरे हाल कोई नहीं हो, मैं तो यमन का आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसने सच कहा है, इसके बावजूद में खैर किसी कुछ ना को ना, तो मर्जिल और गुस्सा आ गया, अल्लाह के रसूल छोड़ दीजिए मैं इसको कत्ल ही कर दूँ। फिर अल्लाह ये जंग बदर में शरीक रहा है, क्या मालूम तुम्हें। अल्लाह ने फरमाया अहले बदर को तुम जो चाह करो तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ करो, अल्लाह ताला बोला अहले बदर के शुरका में से है, अल्लाह ताला ने सब शुरका है बल्कि मफ़रत कर दी है, इसलिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया, जन्नत का वादा फरमाया। तो तुम रज़ी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू आ गए, चुप बैठे वहाँ से, अल्लाह रसूल जानने वाले हैं क्या ना क्या मालूम करें। उसके बाद बाज़ रिवायत में हातिब का कौल भी है कि मैंने काम इस्लाम वसलम पहुँचाने नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया हूँ, मेरा यकीन है कि जो है आपकी फतेह होगी, अहले मक्का खबर भी हो गई तो क्या कोई नुकसान नहीं होता, मुझे ऐसे यकीन था अगर मैं भेज रहा था। ये देखो क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल गाली मानने वाले हैं, मुझे यकीन था अगर होता है तो मैं उनको जरा हमने इतना समझाया भाई ने बोल को जरा मेरे ऊपर एहसान करेंगे उन पर। इसी पर ही आए थे नाजिल भी, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वालों को तुम्हारे दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों को पहले तुम्हारे दुश्मनों को, अरे मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ कि तुमको दोस्ती का पैगाम दो, इसी तरफ इशारा है। इस तरह ख़त कुफार को लिखना उनको दोस्ती का पैगाम दे रहा है, आयत में लफ्ज़ कुफार अदूवी फरमाया, देखो ये लफ्ज़ सोचना है, अदूवी तुम्हारे दुश्मन, मेरे दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन, इस हुक्म की इल्लत और दलील की तरफ इशारा है कि अपने खुदा के दुश्मनों से दोस्ती की तवक्कुल ख़त धोखा है। काफिर अल्लाह के दोस्त दुश्मन नहीं, अल्लाह को नहीं मानते वाले क्या दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं क्या उन्हों? तो काफिर कभी भी मुसलमानों के दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते। ये बहुत से लोग बहुत अच्छा जो हमारा दोस्त बहुत अच्छा कितना पता है क्या करो, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सब मिलजुल करें, तो कुफार के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सूरह आल इमरान में तफसील से लिखा है उन्होंने, कुफार के साथ मामलात कर सकते हैं, मुदारात कर सकते हैं, मुआसात कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं, मुआलात दोस्ती नहीं कर सकते। याद रखो, तो हम लोग ऐसी दोस्ती में चले गए कि उनके साथ जो है उनके कुफर के काम भी करने लग जाता, उनके कुफर के काम को जो अच्छा समझ लगते, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इंसान ऐसी जो करना कर सकते, इंसान है वो कर जो करना सकते, बुक्का है फलां है वो है, अब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं तो क्या करते जा रहता है फलां है, उसकी उसकी दुकान में जिम्मे काम कर सकते हैं, तुम्हारी दुकान में किसी भी अच्छा वगैरह काम मिला ले सकते हैं, मामला और जो है मुवासात कर सकते हैं, लेकिन मुहद्दत मुआलात जिसको कहते हैं दोस्ती नहीं कर सकते, दिल से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानने वाला। सिर्फ अपने और खुदा के दोस्ती की तवक्कुल रखना सब धोखा है, इससे बचो। इस तरह इशारा हुआ कि काफिर जब तक काफिर है किसी मुसलमान का, और वो किसी मुसलमान का जब तक कि वो मुसलमान है दोस्त नहीं हो सकता, वो खुदा का दुश्मन है, तो जो मुसलमान खुदा की मोहब्बत का दावेदार है इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। ये ईमान अल्लाह को मानने वाला है अल्लाह को नहीं मानने वाला है, दोनों की दोस्ती बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जो लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है गैर मुस्लिम से अलग कौन से ताल्लुकात करना कौन से नहीं करना ये नहीं मालूम रहता उनको, कौन समझाना बाप बेचारे को। कौमी धारे के अंदर रहो को हमारे सियासी लीडर हैं एक बुद्ध तो सब मिलजुल रहना फला रहना, आप तो थोड़ा अलग ही हो गया है, रंगी बदल गया है। पहले बोलते थे हमारे इसके अंदर गांधी जी कितना बड़ा बैठे थे, गांधी जी अल्लाह क्या हमारे मुझे स्कूल में थे गांधी जी गांधी अगर नब्बे दे रहे थे नबी तो अल्लाह नबी बनाता था, कुछ नहीं बनाता कुछ नहीं मिला इतने लगा छोड़ के अल्लाह उसको नबी बनाता था क्या। गांधी का तो बाबू एक ऐसा मुकद्दस पायस इंसान बना के रखते थे, कैसा क्या है ऐसे काफिर को। वक़द कफ़रु बिमा जाअकुम मिन अल्हक़, क्यों जो हक तुम्हारे पास है उसका उन्होंने खुलकर इनकार किया है। फिर ये उतना इनकार करे भी नहीं बल्कि तुम जो हक को कबूल किए, तुम्हारी दुश्मनी क्या है उसकी दुश्मनी किस वजह से तुम्हारी
तुम हक को कबूल किए, तुम्हारे दुश्मन नहीं और क्या भी नहीं, तुमको निकाला उन्होंने, निकल पर मजबूर किया, देखिए नहीं, रसूल को निकाला, तुमको निकाला, हक से मुराद कुरान इस्लाम। इस आयत में जो इसका कुफ्र का लफ्ज सबब है कि अदावत किसका सबब है, तुमको और रसूल को वतन अजीज़ पर निकलने के लिए मजबूर किया तुम लोगों को, जब तुम्हारा ईमान था। तो ये बात खुल गई कि जब तक तुम मोमिन हो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हो। इस बात की तरफ इशारा है कि जिस हातिब ने ख्याल किया था कि मैं कुछ एहसान करूँगा, तो ये गलत ख्याल है। हातिब ने बोला था इंसान का ख्याल गलत भी हो सकता है, आइडिया उनका गलत। इन कुन तुम, अगर तुम तो उन्होंने हाँ, तो उनके ये जुमला उनके लिए है, तुम जो लोग जिहाद के लिए निकल रहे हो तो तुम उनसे दोस्ती का पैगाम कर रहे हो, ये कैसी बात है। तो सिरू ना छुपा के तुम पैगाम भेज रहे हो मोहब्बत का, मैं ऐसा छुपा के भेजा तो मेरे साथ लोग मेरे खानदान वालों साथ ज़रा अच्छा सलूक करेंगे। अगर वो ये ना समझे कि इनकी हरत पूछता रह जाएगी, अल्लाह उनके छुपे खुले से पूछाने वाला है। अल्लाह ने अपने रसूल को बाजार कर दिया, ऐसा सा करा तुम्हारा एक आदमी। अभी भी उम्मीद मत रखो, तुम समझेंगे तुम्हारे पर एहसान करेंगे, तुम्हारे तुम उनके हाथ लगे तो तुम्हारी जान लेंगे वो लोग, छोड़ेंगे नहीं तुमको। इस यस्कफुलकुम तुम्हारे मौका देख रहे हैं तुम पर, तो तुम पर पिल पड़ेंगे, तुम पर कोई इम्कान नहीं है। जब गलबा होगा तो तुमको हर लिहाज से नुकसान ही पहुँचाएंगे वो लोग, कब तक है, जब तक तुम काफिर नहीं होते। अब ये यही चल रहा है कि मुसलमान अपने दीन छोड़ने का है, मुसलमान जो है जब तक मुसलमान हैं कभी वो लोग खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम दीन नहीं छोड़ें। बुनियादी बात है, अच्छी तरह समझ लो, हमारे आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान है, हमेशा का नुकसान है अगर हम दीन छोड़ देते हैं। थोड़ी सी भी हम जो है करेंगे कुफ्र की तरफ, पूरा हिंदुस्तान क्या है माना ली, हिंदुस्तान शिर्क की कान है। किसकी कान है? शिर्क की कान है। जो पड़ेगा बहुत बहुत हिस्से से ना, कब कहाँ शिर्क लगता है ना, देखते रहना। नमक की कान रहती है, नमक में गधा पड़ेगा तो पूरा नमक गधा नमक हो जाता है मालूम। जिस कान में वैसी कान रहती, खनी कान है ना खनी, तो हिंदुस्तान शिर्क की खनी है, मेरे साथ शिरक है पूरा। वो चाहे सब ये अलिया अल्लाह ये वो दरगाह फलाएँ सब ये वहाँ, इसके सब असरात नहीं सब, और क्या भी नहीं, रिफ्लेक्शन। फिर क्या इन्होंने क्या कर रहे थे, जो शादी कर रहे थे बोले आपको बोले बता अल्लाह, फिर बोले क्योंकि मालूम हो गया था कि आदमी सच्चा है, जंग बदर का आदमी है करके। तो देखो फिर अल्लाह ताला साफ फरमा दिया वहाँ से, तुम्हारे माल और अरहाम हुकुम तुम्हारी रिश्तेदारियाँ औलाद काम काम नहीं आने वाले नहीं। ये तुम जो समझे कि मेरे बच्चों को मैं करूँगा मेरे औलाद करूँगा, तो कोई किसी काम नहीं आएगा, अदर कोई किसी की औलाद काम नहीं आएगी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सके मालूम है। तो ईमान है तो सब कुछ होने वाला, ईमान वाले एक दूसरे की सिफारिश करेंगे, ईमान वाले जो है एक दूसरे की जो है अल्लाह के सामने जो है शफात करेंगे, वो और बात। जब ईमान ही नहीं है तो कोई चीज़ काम नहीं आएगी। आगे मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी है, इंशाल्लाह कल पढ़े, अल्लाह तआला कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله